नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में शामिल हुए सीएम हेमंत। राज्य में एमएसएमई उद्योग को सरकार 40% सब्सिडी देगी। मोराबादी मैदान में आयोजित 14वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है। औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए अभी उद्यमियों को 25% तक सब्सिडी मिल रही है। उद्योग की बेहतरी के लिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कोई अच्छी योजना हो तो सरकार एमएसएमई उद्यमियों के लिए सब्सिडी बढ़ाकर 35% से 40% करेगी। इस बार इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में देश के उद्यमियों के साथ साथ विदेशों के उद्यमी को भी भागीदारी निभाने का मौका मिला। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ने एक बेहतरीन उद्योग नीति बनाई है। कई छोटे बड़े कॉरपोरेट घरानों ने निवेश की इच्छा जताई। पिछले दिनों जमशेदपुर में एक बड़े कॉरपोरेट सेक्टर ने औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए शिलान्यास किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री सहित बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद थे। झारखंड में एक बार फिर तपिश भरी गर्मी का एहसास लोगों को होने वाला है। मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बता दें, 9 मई को राज्य के 24 में से 16 जिले ऐसे होंगे जहाँ अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहेगा। रांची सहित अन्य 8 जिलों में भी अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के कार्यकारी निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव का क्षेत्र 9 मई को डिप्रेशन में और 10 मई को चक्रवात के में तब्दील हो जाएगा। इसकी प्रारंभिक दिशा उत्तर पश्चिम की तरफ है। झारखंड में 5 माओवादियों ने किया सरेंडर। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत सोमवार को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के 5 हार्डकोर माओवादी ने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षकों ने मुख्य धारा में लौटने पूर्व माओवादियों को शॉल देकर सम्मानित किया है और अन्य माओवादियों से अपील भी किया है कि झारखंड सरकार के सरेंडर पॉलिसी के तहत वे सभी आत्मसमर्पण करें। बता दें, सोमवार को आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर अमरजीत यादव शामिल है। वहीं 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर सहदेव यादव के नाम भी शामिल है। झारखंड में टॉपर को लैपटॉप, मोबाइल व 3 लाख तक का इनाम। झारखंड में इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा खत्म हुए 1 महीने हो चुके हैं। छात्र अब रिजल्ट के इंतजार में है। वहीं बोर्ड भी परिणाम घोषित करने की तैयारी में लग गया है। बता दें कि झारखंड सरकार ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक इनाम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जैक बोर्ड परीक्षा, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा के शीर्ष 3 रैंक को 3 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार, 1 लैपटॉप और 1 मोबाइल फोन दे दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य टॉपर्स को 1 लैपटॉप और 1 स्मार्टफोन के साथ कुछ पुरस्कार राशि दी जाएगी। मालूम हो कि दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने साल 2023 के शुरुआत में इस योजना की घोषणा की थी। झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के परिणाम पर बड़ा अपडेट आया है। झारखंड के 8 लाख विद्यार्थियों को अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार है। बता दें, मैट्रिक में 4,33,000 से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, जबकि इंटर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में 3.5 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। बता दें, सूत्र बता रहे हैं कि जैक की ओर से मैट्रिक का रिजल्ट इसी महीने जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 20 से 31 मई के बीच मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आ जाएगा। बता दें कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट एक साथ जारी किए जाते हैं। इसी दिन मैट्रिक का परिणाम जारी होता है, वहीं इंटर साइंस का भी रिजल्ट आता है। कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट जैक अलग से जारी करता है। झारखंड के 80 मॉडल स्कूलों में अनुबंध पर नियुक्त नहीं होंगे शिक्षक। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय में अब अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। विद्यालयों में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ही पदस्थापित किया जाएगा। विभिन्न जिलों से सरकारी स्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों के नाम मांगे गए थे जो पूर्व में CBSE व ICSE बोर्ड के स्कूलों में कार्यरत थे। बता दें, जिलों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लगभग 600 शिक्षकों की सूची तैयार की गई है। इसके अलावा हाई स्कूल में वर्तमान में चल रही शिक्षक नियुक्ति में से भी शिक्षकों का चयन उत्कृष्ट विद्यालय के लिए किया जाएगा। इसके लिए भी जिलों को निर्देश भेजा गया है।
विद्यालयों में जून अंत तक शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं 80 उत्कृष्ट विद्यालय के अलावा 325 प्रखंड स्तरीय मॉडल स्कूलों में शिक्षकों का पदस्थापना किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हेल्पलाइन नंबर बंद। पीएम फसल बीमा योजना की बीमा राशि कोई त्रुटि के कारण जिन किसानों के खाते में नहीं गई है, उन किसानों के लिए जिला सहकारिता कार्यालय द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर 8235071147 बंद रहता है। ऐसे में बड़ी संख्या में किसान परेशान हैं। जिस उद्देश्य के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, उसका फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा। बता दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभुक किसान बेहद ही परेशान हैं, लेकिन जिला सहकारिता कार्यालय में किसानों की समस्या नहीं सुनी जा रही। जिले भर में करीब 5000 से अधिक किसानों को पीएम फसल बीमा का भुगतान नहीं हुआ है। इन किसानों को भुगतान नहीं होने की वजह जानने के लिए पैक्स, बैंक व सहकारिता कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। सिन्नी कारखाने में रेल चक्का बनाने का हो रहा प्रयास, अर्जुन मुंडा। सिन्नी रेलवे स्टेशन पर सोमवार से हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा ने सिन्नी स्टेशन पर हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस का स्वागत किया। ट्रेन के यहाँ ठहरने के बाद उसे हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना किया गया। श्री मुंडा ने कहा है कि स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई। सिन्नी रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाएं भी बढ़ाई गई। बता दें, अर्जुन मुंडा ने कहा है कि देश भर में ट्रेन की रफ्तार और सुविधाएं बढ़ रही है। वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जल्द ही बुलेट ट्रेन भी चलेंगी। श्री मुंडा ने कहा है कि वर्ष 1923 में स्थापित सिन्नी रेल कारखाने के रिनोवेशन पर चर्चा हुई। वर्तमान में रेल का चक्का विदेशों में बनता है। इसकी संभावना है कि रेल चक्का बनाने का कार्य सिन्नी या आसपास के क्षेत्र में हो। हजारीबाग के टाटी झरिया में 3 घंटे थाना का घेराव। हजारीबाग जिले में ग्रामीणों ने 3 घंटे तक टाटी झरिया थाना का घेराव करने के बाद 20 मिनट के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जाम कर दिया। दरअसल इचाक प्रखंड के लुंद्रू निवासी महावीर महतो पिता ईश्वरी महतो का शव 12 अप्रैल को खैरा कर्मा से बरामद हुआ था। मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने वहीं के 3 लोगों पर महावीर की हत्या करने का आरोप लगाया था। मृतक के परिजन व ग्रामीणों ने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक से की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें, इससे नाराज लोगों ने सोमवार को टाटी झरिया थाना का घेराव कर दिया। मृतक की मां, पत्नी, पुत्र के साथ साथ इचाक प्रखंड के पुनाई, लुंद्रू, देवकुली, करियातुपुर, बसरिया और टाटी झरिया प्रखंड के टर्पो, भरनो आदि के दर्जनों ग्रामीणों ने 3 घंटे तक थाना का घेराव कर प्रदर्शन किया। गुमला से हार्डकोर माओवादी राम केशवर गिरफ्तार। गुमला के कुरुमगढ़ थाना की पुलिस ने भाकपा माओवादी के हार्डकोर सदस्य राम केशवर उराव 37 वर्षीय गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे उसके घर गुमला थाना क्षेत्र के हेठजोरी गाँव से पकड़ा है। बता दें, वह 4 साल से फरार था। रविवार को राम केशवर अपने परिवार के सदस्यों से मिलने गाँव आया हुआ था, तभी पुलिस ने गुप्त सूचना पर उसे धर दबोचा है। एयरलिफ्ट किए जाएंगे मणिपुर में फंसे झारखंड के छात्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा में फंसे झारखंड के छात्रों को एयरलिफ्ट करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश पर अमल भी शुरू हो चुका है। इससे पहले राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम में मणिपुर में फंसे झारखंड के कुल 34 लोगों की सूची प्राप्त हुई है। ये सभी विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र हैं। बता दें, कंट्रोल रूम के साथ साझा किए गए 34 विद्यार्थियों की सूची में से 4 का टिकट नई दिल्ली तक के लिए कटा है। इनमें से 18 विद्यार्थी झारखंड वापस आना चाहते हैं। श्रम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि 34 में से 18 विद्यार्थियों का टिकट सोमवार को कंफर्म कर दिया गया है। हज कमेटी की बैठक में यात्रियों के लिए व्यवस्था का निर्देश। राज्य सरकार ने हज यात्रियों की पूरी सुविधा और व्यवस्था के साथ भेजने का निर्णय लिया है और इसके तहत तैयारियों की समीक्षा के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। बता दें, बैठक के बाद मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि झारखंड से 2700 हज यात्री रवाना होंगे, जिनमें से 2300 रांची से जाएंगे और शेष 400 को कोलकाता एयरपोर्ट से रवाना करने का निर्णय लिया गया है। बता दें, राज्य सरकार ने केंद्रीय हज कमेटी से यात्रियों के लिए फ्लाइट का प्रबंध करने का आग्रह किया है। बाबूलाल ने कहा, झारखंड की जनता को ठग रहे अधिकारी। गिरिडीह से टाटा नगर जाने के दौरान सोमवार को मधुपुर स्टेशन पर पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला।
बता दें हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की जनता के लिए काम करने के लिए काम करने के बजाय अपने और अपने परिवार के लिए रुपए कमाने में मशगूल हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड के नौजवानों को ठगने का काम सरकार ने किया है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि झारखंड सरकार बालू दारू पत्थर और यहाँ तक कि सेना की जमीन बेचकर रुपए कमाने में लगी हुई है। द केरला स्टोरी पर बैन लगाने की मांग। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से द केरला स्टोरी पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की तर्ज पर झारखंड सरकार भी अविलंब द केरला स्टोरी पर बैन लगाए। भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, वह धर्म के नाम पर लोगों के बीच नफरत फैलाकर बांटने का काम करती है। उन्होंने कहा है कि जानबूझ पर भाजपा चुनाव से पहले इस तरह की मूवी रिलीज कर लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। इससे पहले द कश्मीर फाइल्स भी चुनाव से पहले रिलीज कर लोगों को बांटने का काम कर चुकी है। सेवांती घाटी विवाद मामला। झारखंड बंगाल सीमा पर बोकारो के कसमार में सेवांती घाटी को लेकर दूसरे दिन के मापी में भी कोई हल नहीं निकल पाया है। बता दें बंगाल वन विभाग की टीम ने सीधे तौर पर कह दिया है कि बोर्ड बंगाल की सीमा में ही गाड़ा जाएगा, इसलिए इसे नहीं हटाया जा सकता। सोमवार को झारखंड और बंगाल दोनों राज्य की वन विभाग की टीमों ने सेवांती घाटी पहुंचकर दोनों ओर से नक्शा मिलान करते हुए जमीन की मापी करवाई, लेकिन अभी भी वह बोर्ड वहीं लगा है। बताते चले कि बीते 2 मई को वन विभाग के झालदा रेंज पुरलिया डिवीजन के द्वारा बंगाल का बोर्ड लगा देने के बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा था। धन्यवाद।